So let's read the question. So question is given कि fission reaction is given by uranium 92-236 से हो रहा है. xenon 54-140 plus इस बार 38-94 plus x plus 1. ठीक है, जहां पर x एंड y आर टू पार्टिकल्स कंसीडरिंग यूरेनियम टू बी एट रेस्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर डिनोटेड बाय kxc ksr kx, जिसका काइनेटिक एनर्जी हमें गिवन है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड ky हमें गिवन है 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, रेस्पेक्टिवली. लेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ यूरेनियम xc sr बी 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, रेस्पेक्टिवली. कंसीडरिंग डिफरेंट कंजर्वेशन लॉस इन द करेक्ट ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज आर क्या होते हैं, ठीक है, सेम में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये फाइंड करना होगा, ठीक है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर लेते, की कॉन्सेप्ट, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, एक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है, ठीक है. So, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम पहले करेंगे कि चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, दैट इज चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी मतलब होता है बाइंडिंग एनर्जी. सो चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट पार्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट पार्ट, ठीक है. तो ये क्या होगा, दिस डेल बी और यू कैन से चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी विल गिव द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है. और यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेनॉन एंड एसआर यहाँ पर हमें फाइंड करना होगा, ठीक है. और क्या फाइंड करना होगा कि एक्स और वाई क्या है, ठीक है. तो ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया. सेकेंड कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. ठीक है, दैट इज अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहा तो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है. नाउ यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन कैसा गिवन है, दैट इज यूरेनियम 236 92 ये फिजन हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, एक्स 54-140 प्लस एस आर 38-94 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले कि ये जो फिजन रिएक्शन है, ठीक है, इस फिजन रिएक्शन में मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर तो कंजर्व रहेगा, ठीक है. सो अगर मास नंबर को देखेंगे, मास नंबर, ठीक है, सो मास नंबर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट साइड का मास नंबर शुड बी इक्वल टू द प्रोडक्ट मास नंबर ऑफ द रिएक्टेंट साइड, ठीक है. सो 114 प्लस 94 और यहाँ पर हम मान लेते कि एक्स का मास नंबर है A1, वाई का है A2, ठीक है, और एक्स का एटॉमिक नंबर है Z1 और इसका एटॉमिक नंबर, वाई का एटॉमिक नंबर है Z2, ठीक है, ये हमने यहाँ पर मान लिया, ठीक है, इसका है Z2, ठीक. तो क्या हो जाएगा, 140 प्लस 94 प्लस A1 प्लस A2 ये इक्वल हो जाएगा, दैट इज 236, ठीक है. यहां से A1 प्लस A2 का वैल्यू आता है 2, ठीक है, इसको इक्वेशन 1. नाउ कंजर्विंग द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है. सो क्या हो जाएगा, 92 इज इक्वल टू 54 प्लस 38 प्लस एक्स वन प्लस एक्स टू, यहाँ से एक्स वन प्लस एक्स टू का वैल्यू आता है 0, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, ठीक है. सो हमारे पास क्या था, एक्स था, ठीक है, एक्स और वाई, ये क्या होगा ये हमें ढूंढना था, ठीक है. ना ए वन प्लस ए टू 2 है, एक्स वन प्लस एक्स टू 0, ठीक है. ना एक्स वन दैट मीन एटॉमिक नंबर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, दैट मींस एक्स वन प्लस एक्स टू अगर 0 है, दैट मींस एक्स वन और एक्स टू दोनों को ही 0 होना पड़ेगा, ठीक है, दैट मींस एक्स और वाई का एटॉमिक नंबर 0 हो गए,
अब ए वन प्लस ए टू इज टू, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ए वन वन हो सकता है और ए टू वन हो सकता है, ठीक है, तो वन वन हो गया, ठीक है। दैट मीन्स ये दोनों ही क्या हो जाएगा, एक्स वन दैट इज एक्स दैट इज वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन, ठीक है, 0 1, ठीक है। दैट मीन्स एक्स एंड वाई इज न्यूटन दैट इज एन, ठीक है। तो इसमें से बी और सी यहां से ही इलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब ए और डी के बीच में कोई ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी हम फाइंड करेंगे, ठीक है। सो चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी क्या होगा, दिस इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। ये आ जाएगा 236, 236 इंटू 7.5 MeV, ठीक है। ये हमें 7.5 क्या है, इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें गिवन है, ठीक है। और यूरेनियम में कितना न्यूक्लियन है, दैट इज 236 माइनस ऑफ प्रोडक्ट साइड में कितना होगा, 140 इंटू 8.5 प्लस 94 इंटू 8.5, ठीक है। तो यहां से चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी कितना आएगा, ये आएगा 219 MeV, ठीक है। नाउ वी नो दैट दिस विल प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इसको हम के लिख देते हैं, ठीक है, के एक्सी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एस आर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, ये किसके इक्वल होना चाहिए, दिस इज इक्वल टू डेल बी चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी दैट इज 219 MeV, ठीक है। नाउ के एक्स और के वाई क्या है, ये है 2 MeV, ये भी है 2 MeV, ठीक है। तो यहां से हम क्या लिख पाएंगे, के ऑफ एक्सी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ एस आर क्या होना चाहिए, 219 माइनस 4 दैट इज 215, ठीक है। इसको इक्वेशन 3 बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स एक्सी और एस आर का काइनेटिक एनर्जी का सम हो जाएगा 215, ठीक है। नाउ यहाँ पर अगर ऑप्शन को देखें तो क्या है, के एस आर इज 129, के एक्सी इज 86 इन ऑप्शन ए, और ऑप्शन डी में गिवन है के एस आर इज 86 एंड के एक्सी इज 129, ठीक है। दैट मीन्स के एक्सी का वैल्यू हो सकता है, एक तो हो सकता है कि 86 MeV, ठीक है, और हो सकते हैं 129 अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ये भी क्या हो सकता है, ये 129 हो सकता है अगर के एक्सी 86 होता हो, और ये क्या हो सकता है अगर के एक्सी 129 होगा तो ये हो जाएगा 86, ठीक है। नाउ ऑप्शन ए और डी के बीच में कौन सा ऑप्शन सही होगा, कैसे हम समझेंगे, सो वी नो दैट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, हम क्या जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसी इक्वल्स टू पी स्क्वायर दैट इज मोमेंटम स्क्वायर बाय 2 n, ठीक है। नाउ मोमेंटम तो कौन सा है, ठीक है, सो यू कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। तो जिसका मास ज्यादा होगा उससे काइनेटिक एनर्जी कम होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या बोल सकते, अगर मास ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा, अगर मास कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, बिकॉज इन मोमेंटम इज कंजर्व, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि मास किसका ज्यादा है, मास ज्यादा है एक्सी का, ठीक है, क्योंकि एक्सी का मास कितना है 140 एंड एसआर का मास है 94, ठीक है। सो एक्सी का मास ज्यादा है, मास ऑफ एक्सी इज ग्रेटर देन मास ऑफ एसआर, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सी शुड बी लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसआर, ओके। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्सी क्या होना चाहिए, 86 MeV, ओके, एंड एसआर का काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए, 129 MeV, ठीक है।
सो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स इक्वल्स टू एन वाई इक्वल्स टू एन, ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ जेनॉन एक्सी शुड बी 86, ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसा शुड बी 129. सो ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है. होप यू अंडरस्टैंड इट. बेस्ट ऑफ